नमस्ते फ्रेंड्स, मदर्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेडीज के लिए कंफर्ट जोन के लिए कुछ वीडियो लेके आई हूँ। ये आप लोग ये देख रहे होंगे क्या है, कुछ लेडीज को तो पता है, कुछ को नहीं पता कि क्या है। ये है मिल्क बॉयलर। तो जब से मैंने ये यूज किया तो मैं इतनी कम्फर्ट हो गई हूँ कि दूध रख के आराम से काम कर लेती हूँ और पता चल जाता है कि मेरा दूध गर्म हो चुका है। और आप लोग सोचे कैसे पता चल जाता है, ये देखिए इसकी ये पीसल दी हुई है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे, देखिए, और फनल के साथ ही ऐड करेंगे, लेकिन मेरी फनल गुम हो चुकी है तो हम ऐसे ही डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो चलिए पहले, अगर आप भी फ्रेंड्स ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो ऐसा वाला मिल्क बॉयलर, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है, आप उस पे जाकर ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे दूध गर्म करना है। देखिए ये ऐसे ओपन जी इसका ढक्कन है, ये मेरा 2 लीटर का, आप बड़ा भी ले सकते हो छोटा भी ले सकते हो। जी इसकी बिसल है, ये देखिए मैं ओपन कर रही हूँ। तो चलिए अब हम पानी ऐड करते हैं। पानी हमें ज्यादा भी नहीं ऐड करना और कम भी नहीं, ज्यादा करेंगे तो बाहर निकलेगा। फ्रेंड्स जो छोटे वाली गिलास मैंने 5 ऐड कर लिए हैं पानी के, तो चलिए अब हम इसको बंद करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जितना हम पानी ऐड करेंगे बस ये देखना कि हमारा पानी बाहर ना निकले, क्योंकि पानी बाहर निकलेगा फिर अच्छे से बॉइल नहीं होगा। जैसे हमारा हमने 5 गिलास पानी ऐड किया तो हमारा ये मेन काम ही पानी का होता है, पानी से हमारा दूध बॉइल होता है क्योंकि ये अंदर से हालो होता है। तो इसलिए जितना हम पानी ऐड करेंगे हमारा दूध उतनी जल्दी गर्म होगा। तो इसको हमने बंद कर दिया। तो चलिए अब हम दूध ऐड करते हैं। ये 2 लीटर के हम दूध ऐड, फ्रेंड्स देखिए मैंने 2 लीटर दूध ऐड कर लिया। अभी हम ढक्कन ऊपर दे देंगे और गैस फ्लेम पे छोड़ देंगे, और फुल गैस फ्लेम पे छोड़ेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बॉइल ना हो जाए, कोई बॉइल नहीं होगा, इसकी बिसल ऐसे बजेगी पूरा ये पूरा गांव उठा देगा। तो टेंशन मत लीजिए, पूरा मोहल्ला सिर में उठा लेगा, ऐसी बिसल बजती है। तो चलिए ये देखिए मैंने गैस फ्लेम पे रख दिया है, तो गैस ऑन करते हैं। तो देखिए फुल फ्लेम पे रख दी है, फुल गैस पे रखी हुई है मैंने, और हम लोग वेट करते हैं। अपने आप विसल बजना शुरू हो जाएगी, 2-3 विसल के बाद हम देखेंगे दूध बॉयल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो ऐसा वाला बॉयलर, तो फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रखा है, आप उस पे जाकर ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स वेट करते हैं विसल का, कि फ्रेंड्स विसल के आने का थोड़ा थोड़ा आवाज आने लगा है, तो रेडी हो जाइए विसल के लिए। देखिए फ्रेंड्स धीरे धीरे विसल बजना शुरू हो रही है, ये देखिए। आप कहीं भी लेटे होंगे रूम में तो आपको आवाज आना शुरू, ये अभी स्टार्ट है, अभी देखिए आवाज आ रही है पीछे से, इतनी इसकी तीखी आवाज होती है इतनी जोर से कि आप कहीं भी होंगे तो आप तक कान तक आपके आपके कान तक आवाज पहुंच ही जाएगी। तो ये देखिए, पर एक बिसल से हमें बंद नहीं करना है, 3-4 बिसल बच जाएंगी फिर हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो जाएगा। और इसका ये भी नहीं है, देखो फुल गैस की हुई है और हमारा दूध बिल्कुल भी नहीं बॉयल होगा, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, इसका यही बेनिफिट है। तो ये देखिए सीटी बजना शुरू हो गई है, ये देखिए है ना कितनी खतरनाक आवाज है, इसके कान तक जाती है ये, ये तो प्रेशर कुकर से भी ज्यादा खतरनाक है, ये देखिए। तो हाँ आवाज भी आ रही होगी आपको दूध बॉयल होने की, लेकिन अभी तक मैं इसको ओपन नहीं करूंगी, अभी मैं इसको 2-3 बिसल और बजने दूंगी, फिर मैं अपना ढक्कन उठाऊंगी सिम गैस करके। हमेशा सिम गैस करके ही आपको अपना ढक्कन उठाना है, ओके, ये याद रखना हमेशा। तो चलिए 1-2 बिसल और बजने दीजिए, फिर हम अपना ढक्कन उठाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे 3-4 बिसल हो चुकी हैं, गैस फ्लेम हम मीडियम में करते हैं और चलिए अब हम ढक्कन उठाते हैं। हमारा दूध और बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है हमारा दूध, इसकी यही कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो भी सकते हैं। तो जैसे भी बिसल इसकी बजे तो जल्दी से गैस फ्लेम ऑफ कर दीजिए, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया रखा है, आप उस पर जाकर ऑफर प्राइस में परचेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स को जो मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।